कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से श्रद्धा भाव से करता है उसके पुराने जन्म के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से कार्तिक मास में जगह जगह विधि विधान गाजे बाजे के साथ मंडप आदि को बनाया जाता है और तुलसी माता की पूजा की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिन घर में कोई भी संतान नहीं है और खासकर लड़की नहीं है उनको जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। नमस्कार, तुलसी विवाह से जुड़ी ये खास बातें आप सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुलसी विवाह पर हमारी खास कवरेज को सुनते रहें। एकादशी तिथि में अयोध्या की अंतर्गृह परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने की अनंत काल से परंपरा है और इस विवाह का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व है। एकादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर दिन बुधवार की रात में 10:34 बजे से आरंभ होकर 23 नवंबर दिन गुरुवार की रात में 8:21 बजे तक व्याप्त रहेगी, अर्थात सूर्योदय के साथ ही प्राप्त हो रही एकादशी तिथि रात में 8:21 बजे तक समाप्त होगी। इस दिन भद्रा दिन में 9:28 बजे से पूर्व ही गन्ने का पूजन करें, उसका सेवन कर लिया जाए क्योंकि इस दिन भद्रा सुबह में 9:28 से आरंभ होकर रात 8:21 तक समाप्त होगा। भद्रा मृत्युलोक के होने के कारण अशुभ माना जाता है, इसलिए भद्रा से पूर्व गन्ने का पूजन करके सेवन किया जाना श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। तुलसी शालिग्राम का विवाह उत्सव इसी दिन से आरंभ होकर पूर्णिमा तक चलता रहेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। तुलसी विवाह से जुड़ी ऐसी ही खास बातें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर।